हेलो फ्रेंड्स, एक और नए वीडियो में आपका स्वागत है। और आज की इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं लाडकी बहन योजना के लेकर। एक बहुत बड़ी अपडेट है, लाडकी बहन योजना को लेकर क्या अपडेट है और अपन किस टाइप से इस योजना का लाभ ले सकते हैं। अगर कोई किसी का फॉर्म नहीं भरा है और किसी के फॉर्म में कुछ करेक्शन वगैरह है तो उसकी अवधि यहाँ पर डेट ऑफ डेट बढ़ा दी गई है, तो आप अपडेट करके अपना फॉर्म यहाँ पर कम्प्लीट कर सकते हैं। तो भारत सरकार ने महिलाओं को एक बड़ा मौका देते हुए इस योजना की अवधि बढ़ा दी गई है, यानी कि इस योजना में अब महिला यानी 15 अक्टूबर से लेकर 31 अक्टूबर तक यहाँ पे आवेदन कर सकती है। इसमें भारत सरकार देश के नागरिकों के लिए एक से बढ़कर एक योजना यहाँ पे चलाती रहती है। सरकार की योजना का लाभ देश के करोड़ों लोगों को यहाँ पे मिलता है। भारत सरकार की कई योजना यानी कि अलग अलग तबकों के लिए लेकर लाई जाती है, तो इसमें बहुत सी योजनाएँ महिला सशक्तिकरण योजना में यहाँ पर बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। तो इसमें भारत सरकार की तरफ से भारत के काफ़ी राज्यों की सरकारें अपने देश में नागरिकों के लिए बहुत ही बहुत सारी योजनाएं यहाँ पे चला रही है, तो जिसमें खास योजना जो कि महिलाओं को देखते हुए लाई जा रही है, तो इसमें लाडकी बहन योजना यहाँ की महाराष्ट्र में जो चालू है लाडकी बहन योजना, तो ये योजना बहुत ही अच्छी योजना है। तो इसकी डेट यानी कि पूरे प्रदेश में इसकी डेट को प्रदेश में ये योजना लागू हो चुकी है और हर महीने यहाँ पर 1500 रुपये सरकार महिला के अकाउंट में यहाँ पर ट्रांसफ़र करती है। इसी को देखते हुए यानी कि 1 जुलाई के महीने में महाराष्ट्र सरकार ने अपने राज्य की महिलाओं के लिए लाडकी बहन योजना को यहाँ पे योजना को शुरू किया था। 1 जुलाई से पूरे प्रदेश में यह योजना लागू हो चुकी है। इस योजना के तहत सरकार महिलाओं को हर महीने 1500 रुपये यहाँ पे भेजती है, तो इसमें बहुत ही अच्छी योजना है। अगर किसी के फॉर्म अपडेट नहीं हुए हैं तो वो फॉर्म यहाँ पे अपडेट कर सकते हैं, या फिर फॉर्म को किसी ने अभी तक फॉर्म भी नहीं भरा है तो वो फॉर्म भर सकते हैं, यानी कि इसकी डेट अभी बढ़ चुकी है। अब इस योजना के जरिए राज्य की महिलाओं को 5 किस्तों भेजी, यानी कि अभी तक जुलाई से लेकर अभी तक 5 किस्तों का भुगतान हो चुका है। और इसमें वही अगर योजना में सरकार की महिलाओं में एक बहुत बड़ा मौका देते हुए इस योजना की लाभ अवधि को भी यहाँ पर बढ़ा दिया है, तो महिला यानी कि 15 अक्टूबर से लेकर 31 अक्टूबर तक यहाँ पर इसकी अप्लाई कर सकते हैं और उसके लिए फॉर्म भर सकते हैं। उसमें बात की जाए तो 30 लाख से अधिक महिलाएं आवेदन कर चुकी है, तो इसमें कई महिला आवेदन रद्द भी हुए, तो उस महिलाओं के लिए दोबारा मौका यहाँ पे दिया जा रहा है।